अस्पताल की बेरुखी आई सामने। अस्पताल के बाहर तड़पता रहा मरीज, जिसे उपचार नहीं दिया गया। सड़क पर चक्कर खाकर गिर गया था मरीज। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कैसे मरीज जमीन पर चक्कर खाकर गिर गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने मरीज को अस्पताल पहुंचाया। आपको एक बार फिर बता दें, अस्पताल के बाहर तड़पता रहा मरीज, जिसे उपचार नहीं दिया गया। सड़क पर चक्कर खाकर गिर गया था मरीज। स्थानीय लोगों ने मरीज को पहुंचाया अस्पताल, सुल्तानगंज पुलिया स्थित आरपी मेडिकेयर हॉस्पिटल का मामला। यह अस्पताल की बेरुखी सामने आ रही है। एक मरीज को उपचार नहीं दिया गया, बल्कि उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया। वहीं स्थानीय लोगों ने मरीज को अस्पताल पहुंचाया। अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं संवाददाता अनिल के साथ। अनिल, आखिर ऐसा क्यों अस्पताल द्वारा किया गया, क्यों मरीज को भर्ती नहीं किया गया? देखिए, अस्पताल की जो संवेदनहीनता ये सामने आई है, और कहीं ना कहीं मानवता शर्मसार हुई है। एक मरीज, एक राहगीर जिसे चक्कर आ गए थे और जो सड़क पर गिर पड़ा था, जिसे दूसरे लोगों ने खुद हॉस्पिटल तक छोड़ा, और हॉस्पिटल छोड़ने के बाद काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन मरीज को किसी तरह का कोई उपचार नहीं मिला। जो वहाँ के राहगीर या स्थानीय लोग, उन्होंने डॉक्टर और प्रशासन से संपर्क साधने की कोशिश की, वो तक नहीं हो पाया, और मरीज बाहर तड़पता रहा। लेकिन तमाम गुहार लोगों द्वारा लगाई गई, जैसे उपचार दिया जाए, लेकिन कोई भी किसी प्रकार का कोई एक्शन नजर नहीं आया। डॉक्टरों का के बारे में जो जानने का प्रयास किया गया, डॉक्टर पहुंचे या नहीं पहुंचे, तो कुछ लोगों को पता चला कि डॉक्टर अभी नहीं आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो पैरा मेडिकल स्टाफ है, वो प्राथमिक उपचार उसको दे सकता था, उसका बीपी वगैरह, पल्स वगैरह ये चेक कर सकता था, कोई प्राथमिक ट्रीटमेंट दे सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी तस्वीरों में सामने नजर नहीं आया। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं, कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार कर देने वाली है, और जरूरी है कि शासन प्रशासन इस मामले का संज्ञान ले, मुख्य चिकित्सा अधिकारी इस मामले का संज्ञान ले। यदि किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है, तो मरीज किसी भी स्थिति में अस्पताल तक पहुंचता है, तो जरूरी है कि सभी अस्पताल उसे प्राथमिक उपचार दें और घर वालों से संपर्क साधने की कोशिश करें। लेकिन ना ही मरीज को प्राथमिक उपचार दिया गया, ना ही घर वालों से संपर्क साधने की कोशिश की गई। हालांकि अगर मामला क्राइम से जुड़ा हुआ होता भी, तो भी कहीं ना कहीं अस्पताल की जिम्मेदारी होती है कि मामले की सूचना। बिल्कुल अनिल, एक सवाल ये भी खड़ा होता है आखिर, एक सवाल ये भी बनता है कि कैसे मरीज एकदम अचानक चक्कर खाकर गिर गया? क्या गर्मी का कारण है या और कोई वजह भी हो सकती है? कहें तो पहले गर्मी का चाबुक लोगों के ऊपर चला, तापमान 45-46 डिग्री 48 डिग्री तक को पार कर गया, 50 साल के पुराने रिकॉर्ड टूट गए। लेकिन कहीं ना कहीं जो हल्की बारिश हुई है, बारिश के बाद जिस तरह का उमस का माहौल है, कहीं ना कहीं ये आम आदमी पर, ये गरीबों पर दोहरी मार है, और ये जो उमस है, ये कहीं ना कहीं गले पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। तो एक कारण ये भी हो सकता है, लेकिन चूंकि अभी जांच का विषय है कि मरीज कहीं हार्ट पेशेंट तो नहीं है, कहीं कार्डियक अटैक तो नहीं आया, या फिर अन्य कोई हमारा फिलहाल अनिल से संपर्क टूट चुका है। हम आपको फिर जुड़ते हैं अनिल के साथ। एक बार आपको फिर बता दें, निजी अस्पताल की बेरुखी सामने आई है। मानवता को शर्मसार कर देने वाली खबर। जी हां, अस्पताल के बाहर एक मरीज तड़पता रहा, जिसे अस्पताल द्वारा उपचार तक नहीं दिया गया। सड़क पर चक्कर खाकर गिर गया था मरीज। वहीं स्थानीय लोगों ने मरीज को अस्पताल पहुंचाया। सुल्तानगंज पुलिया स्थित आरपी मेडिकेयर हॉस्पिटल का है ये मामला।